नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। नेविगेशन सीरीज के 8वें उपग्रह का प्रक्षेपण असफल, हीट शील्ड नहीं हो सकी अलग, इसरो चेयरमैन ने दी जानकारी। भारत स्विट्जरलैंड के बीच रेलवे में तकनीकी सहयोग समेत दो करार, 2019 से मिलेगा स्विस खातों में जमा कार्यधन की जानकारी। नई निवेश संधि पर बातचीत शुरू। दार्जिलिंग में 2.5 महीने बाद हड़ताल खत्म, गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का फैसला, सरकार से 12 सितंबर को बातचीत के बाद आगे की कार्रवाई। पैन को आधार से लिंक करने की समय सीमा 4 महीने बढ़ी, पुराने नोटों को जमा कराने के लिए नहीं मिलेगा नया मौका, विकास दर में गिरावट पर वित्त मंत्री ने जताई चिंता। बेनजीर भुट्टो हत्याकांड में परवेज मुशर्रफ भगोड़ा घोषित, संपत्ति जब्त करने के आदेश, दो पुलिस अधिकारियों को 17 साल की सजा। और आइए देखते हैं पहली खबर। साल 2019 तक भारत को स्विट्जरलैंड के बैंकों में जमा धन के बारे में जानकारियां मिलनी शुरू हो जाएंगी और इसके लिए इस साल के आखिर तक स्विट्जरलैंड अपने कानून में आवश्यक संशोधन भी कर लेगा। स्विट्जरलैंड ने भारत के साथ व्यापारिक संबंध भी मजबूत करने की इच्छा जाहिर की। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच आज हुई वार्ता में आपसी, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विस्तार से बातचीत हुई। विदेश में जमा काले धन के बारे में भारत को नई उपलब्धि हासिल हुई है। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति डोरिस लुथर्ड ने वादा किया है कि इस साल तक उनकी संसद में भारत को गोपनीय जानकारी देने से जुड़ा विधेयक पारित हो जाएगा। इसके बाद साल 2019 से भारत को वहां के बैंकों में जमा धन के बारे में सूचनाएं मिलने लगेंगी। दोनों देशों के बीच पिछले साल काले धन की जानकारी के लिए साझा घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हुए थे। This is important because Switzerland is and will be an important financial place and we have all interest to be transparent, cooperative and a good reliable partner. But without financial services we cannot have investments and a business community which is active. चाहे ब्लैक मनी हो, डर्टी मनी हो, हवाला हो या हथियारों और ड्रग्स के संबंधित मनी हो, इस वैश्विक अभिशाप से निपटने के लिए स्विट्जरलैंड के साथ हमारा सहयोग जारी है। स्विट्जरलैंड की राष्ट्रपति डोरिस लुथर्ड भारत की 3 दिनों की यात्रा पर दिल्ली में हैं। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शिखर वार्ता के बाद रेलवे के विकास के लिए 2 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। दोनों देशों के बीच नई निवेश संधि पर बातचीत की शुरुआत हो गई है। इसके बाद स्विट्जरलैंड से निवेश का रास्ता साफ हो जाएगा। We are very happy that last year the negotiations of a free trade agreement began again and we hope that with the elements which are pending we can solve them as soon as possible. Foreign direct investment हमारे आर्थिक संबंधों का एक महत्वपूर्ण आधार है और भारत स्विस निवेशकों का विशेष रूप से स्वागत करता है। इस संदर्भ में हम एक नई द्विपक्षीय निवेश संधि पर बातचीत जारी रखने की आवश्यकता पर सहमत हुए हैं। प्रधानमंत्री ने मिसाइल तकनीक से जुड़ी संस्था MTCR में भारत की सदस्यता को समर्थन के लिए स्विट्जरलैंड का आभार जताया। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति ने NSG समेत दूसरे मुद्दों पर भारत का साथ देने का वादा किया है। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति M. वेंकैया नायडू से मुलाकात भी की। दोनों नेताओं से उन्होंने आपसी रिश्तों समेत क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की। स्विट्जरलैंड और भारत के संबंध महज सूचनाओं के आदान प्रदान से आगे बढ़ रहे हैं। स्विट्जरलैंड एक आधुनिक तकनीक से सज्जित देश है और भारत के सभी कार्यक्रमों के लिए इसका उपयोग हो सकता है। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन प्रशांतो के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। भारत और स्विट्जरलैंड के बीच हुए समझौते और आगे के रास्ते क्या हैं, इस पर और बातचीत करेंगे। स्टूडियो में साथ बेहद खास मेहमान पूर्व राजदूत जितेंद्र कुमार त्रिपाठी साहब हैं। सर, स्वागत है आपका। तमाम समझौतों के बीच
दो करार तकनीकी सहयोग को लेकर रेलवे के साथ। किस तरीके मंत्रालय और स्विस फेडरेशन ऑफ टेक्निकल कोऑपरेशन ऑन रेलवेज इसके साथ दोनों ही करार जो हैं वो रेलवे के साथ रेलवे के बारे में है। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि स्विट्जरलैंड की रेलवे भले ही वो बुलेट ट्रेन्स वगैरह न हो लेकिन तकनीक आधुनिकता की दृष्टि से बहुत ही अच्छी है और उस हिसाब से अगर स्विट्जरलैंड का हमें साथ मिल जाता है तो हमारी रेलवे सिस्टम को और अच्छा करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। इसके साथ ही साथ देखिए जो अभी स्विस प्रेसिडेंट ने कहा है कि हमारे रिश्ते बड़े ट्रांसपेरेंट हैं, बड़े ही सहयोगपूर्ण हैं और हम बहुत ही अच्छे पार्टनर साबित हुए हैं जी। ये इंगित करता है कि आगे की भी दिशा क्या होनी चाहिए। और आपने जैसा कहा, आपके न्यूज़ चैनल ने बताया कि 2019 से हमें ये जानकारी मिलनी शुरू हो जाएगी क्योंकि ऑलरेडी पिछले साल हम इंट्रोडक्शन फॉर ये इंफॉर्मेशन ऑन इंट्रोडक्शन फॉर टैक्स इंफॉर्मेशन पे हम बात कर चुके हैं AEOI पे। और अब अगला कदम यही है कि स्विस पार्लियामेंट में जब ये बिल पास हो जाएगा तो उसके बाद से हमें इस बारे में और मदद मिलेगी कि स्विट्जरलैंड के बैंकों के खाते में जो भी भारतीयों के या भारत के मूल निवासियों के धन जमा है जो काला धन के रूप में है टैक्स हेवन के रूप में उसके बारे में हमें जानकारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जी। व्यापारिक संबंधों के लिहाज से भी भारत और स्विट्जरलैंड को मैं अगर देखूं तो करीब सातवा नंबर आता है जब व्यापारिक साझेदारी के तौर पर दोनों देश खड़े होते हैं। 2000 से 2016 के बीच में भारत में करीब 3.57 अरब डॉलर का निवेश हुआ है। निवेश के लिहाज से दोनों देशों के किस तरह की संभावनाएं आप देखते हैं और ख़ासतौर पर नई सरकार के बाद जो एफर्ट किए गए हैं क्योंकि पिछले अब तक के दशक में चौथा मौका है जब राष्ट्रपति स्विट्जरलैंड की यहाँ पर आई हैं जी। देखिए निवेश के हिसाब से स्विट्जरलैंड बहुत ही अच्छा देश है। वहाँ के लोगों के पास वहाँ की कंपनियों के पास पैसे की कमी नहीं है, टेक्नोलॉजी उनके पास है और वो टेक्नोलॉजी वो सरल शर्तों पे हमें देने को तैयार है। उनकी टेक्नोलॉजी ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर रोड बिल्डिंग, उनकी टेक्नोलॉजी सोलर पावर में और ये सब उनकी बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है जिससे हमें फ़ायदा मिल सकता है। हमारा भी निवेश जो वहाँ पर है, हमारा निवेश बेसिकली जो है वो सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है। 100 से ज़्यादा के करीब कंपनीज वहाँ पे निवेश कर रही हैं, वहाँ मौजूद हैं जिसमें बड़ी बड़ी हमारे जो जॉइंट्स हैं TCS और इंफोसिस भी हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए हमें ये लगता है कि आगे बड़ी संभावनाएं हैं। हम भले ही ये सोचते हों आम जनता के मन में धारणा हो कि स्विट्जरलैंड बहुत छोटा देश है सिर्फ टूरिज़्म के लिहाज से अच्छा है, लेकिन इसके साथ ही साथ अभी देखें स्विट्जरलैंड एक स्वतंत्र सार्वभौम राष्ट्र है और स्विट्जरलैंड की टेक्नोलॉजी जो है कई क्षेत्रों में वो हमें बहुत फ़ायदा कर सकती है। स्विट्जरलैंड का डेयरी उद्योग जैसे स्विट्जरलैंड का डेयरी उद्योग बहुत ही प्रबल है, बहुत ही एडवांस है, बहुत ही सक्षम है और उससे हमें अपने डेयरी उद्योग को बढ़ाने में बहुत सहायता। और जिस तरीके का मैं कहूँ दोनों देशों के बीच हाल के कुछ वर्षों में जो तेज़ी आई, पहले प्रधानमंत्री की यात्रा, इसके बाद वहाँ के राष्ट्रपति यहाँ के दौरे पर हैं, क्या ये माना जाए कि जो एक लेवल था, जो पहले दोस्ती ज़रूर थी कई देशों के साथ लेकिन उसको नए लेवल पर ले जाने की जो ज़रूरत थी उस दिशा में सरकार काम कर रही है, सही दिशा की तरफ बढ़ रही है? जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए ऐसा था कि पहले क्या था कि हमारे संबंध पहले भी स्विट्जरलैंड या और कई तमाम छोटे राष्ट्रों से अच्छे थे, इवन पॉलिनेशियन और पैसिफिक ओशन के रास्तों से भी अच्छे थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये था कि स्विट्जरलैंड के बारे में हमारे यहाँ धारणा ये थी कि ठीक है वो न्यूट्रल देश है, उसकी अपनी कोई सेना नहीं है, वो कहीं कोई डिस्टर्ब नहीं करता और वहाँ से हमें कुछ मिलने की उम्मीद कम है। लेकिन अभी हाल के वर्षों में NSG और MTCR में स्विट्जरलैंड का जो ठोस हमें समर्थन मिला है उसने हमें इस ओर देखने को मजबूर कर दिया है कि हम अपने बायलेटरल विजिट्स का या अपने संबंधों का स्तर जो है बढ़ाएं। और मुझे खुशी है कि अब भारत सरकार के उच्च नेतृत्व ने सोचा है कि ये स्तर बढ़ाना चाहिए और उसी की दिशा में आप देख रहे हैं कि पहले भी पिछले साल प्रधानमंत्री गए और इस साल स्विस प्रेसिडेंट आई। चलिए बहुत शुक्रिया सर इस पूरे मसले पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। और ये थी हमारी पहली खबर, छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें।
संसद के भीतर मुद्दे हजार, उन मुद्दों पर तीखी तकरार। This seat, sir, I would say is the seat of Vikramaditya. कभी इनकार, कभी इकरार। संतोषंगा नर सर आपको 1962 लो जाकिर हुसैन అప్పుడు ఉన్నారు. దాని తర్వాత 50 సంవత్సరాలు అయింది. ఇన్ని రోజులు తెలుగు ప్రజలు ఇక్కడ చునౌతి కా ఉత్తర్ దేతీ సర్కార్. ఆజ్ ఆప్ ఏక్ బడే పద్ పర్ హై జిస్మే హమ్ లోగ్ కో ఆప్కే ప్రతి సమ్మాన్ ఆప్కే సాథ ఏక్ అధికార భావ రహతా రహా హై అప్నీ పార్టీ కే అందర్. అబ్ వో అధికార భావ సమాప్త హై, అబ్ ఆదర్ భావ కృతజ్ఞతా భావ హై. లంబీ బహస్, రోచక్ వివాద్, దేఖియే సంసద్ సంవాద్ सिर्फ राज्यसभा टीवी पर. स्वदेशी जीपीएस प्रणाली नाविक के आठवें उपग्रह IRNSS-1H का आज प्रक्षेपण किया गया. हालांकि यह प्रक्षेपण कामयाब नहीं रहा. इसरो के चेयरमैन AS किरण कुमार ने इसकी जानकारी दी. इसरो के मुताबिक हीट शील्ड अलग ना हो सकी, जिससे मिशन सफल नहीं हो पाया. करीब शाम 7 बजे आज इसे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था. प्रक्षेपण के लिए PSLV के XL संस्करण का इस्तेमाल किया गया था. All the other functions of the launch vehicle was normal, but the heat shield has not separated. As a result of that, satellite is enclosed in the body of the fourth stage. So this mission is we can say it's unsuccessful. So we are getting into the details of what has happened and we will do the analysis and subsequently come back on the details. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि नोटबंदी के दौरान बैंकों में जमा बड़ी रकम से कर वसूली में मदद मिलेगी. उन्होंने कहा कि नोटबंदी का जो असर सोचा गया था वैसा ही सामने आया. इस बीच वित्त मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि बंद नोटों को जमा कराने के लिए कोई नया मौका नहीं दिया जाएगा. इस बीच पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की समय सीमा 4 महीने के लिए बढ़ा दी गई. अब 31 दिसंबर तक पैन को आधार से लिंक कराया जा सकता है. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को दिल्ली में नोटबंदी के फायदों पर विस्तार से बात की. उन्होंने इन आरोपों को खारिज किया कि नोटबंदी के जरिए काला धन सफेद हो गया. वित्त मंत्री ने कहा कि बैंकों में रकम जमा होने से ही राशि सफेद नहीं हो जाती. उन्होंने कहा कि देश इस तरह के बदलाव के लिए अब तैयार है. The larger impact is you had 25% more people immediately after demonetization filing income tax returns. In the very first month of the GST, and this is could be because of GST, it also could be the hangover effect of the demonetization itself. Nobody gave us a chance that we would cross the red line in terms of our estimated revenues between the center and the states. वित्त मंत्री ने कहा कि लंबे वक्त तक समानांतर अर्थव्यवस्था को चलने नहीं दिया जा सकता. As far as the GDP is concerned, the economy stands to gain from the integration of the informal and the unaccounted economy, which is now taking place into the more accounted economy. पिछले साल 8 नवंबर को नोटबंदी का ऐलान हुआ था. इसके करीब 10 महीने बाद रिजर्व बैंक ने बुधवार को बताया कि 500 और 1000 के 99% पुराने नोट बैंकों में वापस आ गए हैं. 15.44 लाख करोड़ के पुराने नोटों में से 16,000 करोड़ रुपए से अधिक जमा नहीं हुए. कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी. मौजूदा वित्तीय साल की पहली तिमाही के GDP के आंकड़े आज जारी किए गए. अप्रैल से जून की तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद में गिरावट आई है. इस दौरान GDP विकास दर 5.7% रही. इससे पिछली तिमाही में यह आंकड़ा 6.1% था. इसे नोटबंदी के असर के तौर पर देखा जा रहा है, जबकि पिछले वित्त वर्ष की अप्रैल जून की तिमाही में GDP की दर 7.9 थी. हालांकि 8 प्रमुख उद्योगों के कोर सेक्टर के आंकड़ों से अर्थव्यवस्था की बेहतरी के संकेत मिलते हैं. जुलाई में कोर सेक्टर में ग्रोथ बढ़कर 3.4% रही और जून में यह आंकड़ा 0.4% था. हालांकि पिछले साल इस दौरान यह आंकड़ा 3.1% पर ही था. कंसर्न दैट इट्स कम डाउन टू 5.7%. सो यू हैव अ सिचुएशन वेयर द इन्वेस्टमेंट हैज समवॉट इंप्रूव्ड
services has improved, but it's really manufacturing that has bottomed out. तमिलनाडु में विपक्षी दलों ने मुख्यमंत्री को बहुमत साबित करने के निर्देश देने की मांग की। विपक्षी नेताओं ने आज राष्ट्रपति से इस मुद्दे को लेकर मुलाकात की, हालांकि तमिलनाडु के मंत्रियों ने इस मांग को खारिज कर दिया है। डीएमके की अगुवाई में तमिलनाडु के विपक्षी दलों के नेताओं ने गुरुवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल में डीएमके के अलावा कांग्रेस, सीपीएम और सीपीआई के नेता भी शामिल थे। विपक्षी दलों के नेताओं ने राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। Yeah, we've met the president and we've given him a memorandum explaining what is happening in Tamil Nadu, and the Tamil Nadu government has lost its majority. So we want the governor to call for a flow test. This is our request, and the president has promised to look into it and may do the needful. इन नेताओं का कहना था कि अन्नाद्रमुक के 21 विधायकों ने मुख्यमंत्री के पलानीसामी से समर्थन वापस ले लिया है। ऐसे में मुख्यमंत्री बहुमत खो चुके हैं। हालांकि अन्नाद्रमुक सरकार में मंत्री आरबी उदय कुमार ने इस मांग को खारिज कर दिया। द ऑपोजिशन सेज यू हैव टू प्रूव योर कॉन्फिडेंस। इट्स नॉट नेसेसरी टुडे, इट्स नॉट नेसेसरी नाउ। दरअसल पलानीसामी और पनीर सेल्वम गुट के विलय का दिनाकरण गुट विरोध कर रहा है। इस वजह से ही तमिलनाडु में मौजूदा संकट शुरू हुआ है। 12 सितंबर को अन्नाद्रमुक की आम परिषद की बैठक भी होनी है। इसमें शशिकला को पार्टी से बाहर निकालने के फैसले पर मुहर लग सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बीजेपी ने आज गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक की, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और चुनाव प्रभारी अरुण जेटली समेत कई मंत्री और पार्टी पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में चुनाव को लेकर रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। गुजरात में साल के आखिर में चुनाव होने हैं। इस बीच केंद्रीय मानव संसाधन राज्य मंत्री महेंद्रनाथ पांडे को उत्तर प्रदेश का नया पार्टी अध्यक्ष बनाया गया है। गुजरात के चुनाव के विषयों को लेकर के पूरी तरीके से चर्चा हुई। भारतीय जनता पार्टी गुजरात में मिशन 150 के लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रही है, और गुजरात में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से विकास गुजरात का हुआ है, उसको आगे बढ़ाने के लिए पार्टी ने सभी संगठनात्मक विषयों पर चर्चा करी। गोरखालैंड जनमुक्ति मोर्चा ने दार्जिलिंग में 78 दिनों से जारी अनिश्चितकालीन बंद को वापस ले लिया है। पहाड़ी क्षेत्र में शुक्रवार से सभी स्कूल, कॉलेज और दुकानें खुल जाएंगी। जीजीएम नेता विनय तमांग ने बताया कि अनिश्चितकालीन बंद वापस लेने का फैसला 12 सितंबर तक के लिए लिया गया है। इसके बाद की कार्रवाई राज्य सरकार के अगले दौर की बातचीत पर निर्भर करेगी। गुरुवार को जीजीएम की केंद्रीय समिति की बैठक में फैसला लिया गया। दार्जिलिंग में हुई बैठक में पश्चिम बंगाल सरकार से हुई पहले दौर की वार्ता के नतीजों पर भी चर्चा की गई। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी राजीव गौबा ने आज केंद्रीय गृह सचिव का पदभार संभाल लिया। उन्होंने राजीव महर्षि की जगह ली है। राजीव गौबा का 2 साल का कार्यकाल है। वो 1982 बैच के झारखंड कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। गौबा को केंद्रीय गृह मंत्रालय में स्पेशल ऑन ड्यूटी ऑफिसर के रूप में कार्य करने का अनुभव है। गृह मंत्रालय में नियुक्ति होने से पहले गौबा ने शहरी विकास मंत्रालय में सचिव थे, और वो गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव पद पर भी काम कर चुके हैं। साथ ही रक्षा, वित्त और पर्यावरण मंत्रालय में भी अलग अलग जिम्मेदारियों को निभा चुके हैं। मुंबई के भिंडी बाजार इलाके में आज एक 5 मंजिला इमारत के गिरने से 19 लोगों की मौत हो गई और 12 लोग बुरी तरह से घायल हुए। कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है। मुंबई के डोगरी इलाके में गुरुवार को 100 साल पुरानी 5 मंजिला इमारत ढह गई। हादसे में कई लोगों की मौत हो गई और मलबे के नीचे से कई लोगों को जख्मी हालत में बाहर निकाला गया। इनमें से कुछ की हालत गंभीर है। राहत और बचाव का काम जारी है। दक्षिण मुंबई में जेजे अस्पताल के पास स्थित इस इमारत को महाराष्ट्र हाउसिंग और एरिया विकास प्राधिकरण ने असुरक्षित घोषित किया था। The residence of 117-year-old Husseini building in Bhindi Bazaar collapsed at 8:30 AM. This ground plus 6 building housed a total of 13 tenants, which included 12 residential and 1 commercial. Out of these, the trust had already shifted 7 families in 2013 and 14. 2011 में मिली चेतावनी के बावजूद इस इमारत में करीब 10 परिवार रहते थे।
बीते एक महीने में इमारत ढहने का ये दूसरा हादसा है। इससे पहले 26 जुलाई को घाटकोपर में 4 मंजिला इमारत गिर गई थी। इस हादसे में 17 लोग मारे गए थे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को हुए हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। यहाँ पर जिनको मृत्यु आया है, ऐसे लोगों को, उनके फैमिलीज को 5 लाख रुपए का कंपनसेशन सरकार देगी। जो जख्मी है उनका इलाज का खर्चा भी सरकार करेगी। और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हाउसिंग, उनको हमने इसकी जांच करने के आदेश ये दिए हुए हैं, जिसके माध्यम से इसकी पूरी जांच की जाएगी। भारी बारिश और पानी भरने की समस्याओं के बीच यह हादसा हुआ है। मंगलवार को मुंबई में 316 मिलीमीटर बारिश हुई, जिसने पूरी मुंबई की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। बिगड़े हुए मौसम की वजह से सड़क यातायात, रेल और हवाई सेवाओं पर असर पड़ा था। हालांकि मुंबई में भारी बारिश के बाद अब हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री अशोक गजपति राजू और केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से मुलाकात की। दोनों केंद्रीय मंत्री उपराष्ट्रपति से मिलने उनके आवास पहुंचे। इस दौरान मंत्रियों ने एम वेंकैया नायडू को नए दायित्व के लिए बधाई दी है। उधर जम्मू कश्मीर के राज्यपाल एनएन वोहरा ने भी उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से आज मुलाकात की। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में रजत पदक विजेता पीवी सिंधु और उनके कोच गोपी चंद ने आज उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से मुलाकात की। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने पीवी सिंधु के खेल की सराहना करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। Of course, it's a great feeling. I've met him today and he congratulated me and he said you should improve and go more forward. And, definitely yes. I'll make up to that and really happy to meet him here today. विदेश मंत्री सुषमा स्वराज दूसरे हिंद महासागर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए श्रीलंका दौरे पर हैं। गुरुवार को उन्होंने कोलंबो में 2 दिवसीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हिंद महासागर में सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए जरूरी है कि मिलकर साझा रणनीति तैयार की जाए। कार्यक्रम में 35 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। इस बार हिंद महासागर सम्मेलन का विषय शांति, प्रगति और समृद्धि है। We realize that to effectively combat transnational security challenges across the Indian Ocean, including those posed by non-state actors, it is important to develop a security architecture that strengthens the culture of cooperation and collective action. दो बार पाकिस्तान की प्रधानमंत्री रह चुकी बेनजीर भुट्टो की हत्या के मामले में पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को भगोड़ा घोषित किया गया है। बुधवार को पाकिस्तान की एंटी टेररिस्ट कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने परवेज मुशर्रफ की संपत्ति जब्त करने के आदेश दिए। इसके अलावा मामले में 2 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को 17 साल की जेल और 5 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई, जबकि 5 अन्य को रिहा कर दिया। 2007 में रावलपिंडी में एक रैली के दौरान बेनजीर भुट्टो की बम धमाके में हत्या कर दी गई थी। अमेरिका में आए हार्वे तूफान ने भारी तबाही मचाई है और इसे अमेरिकी इतिहास में सबसे खतरनाक तूफान बताया जा रहा है। हार्वे के चलते 38 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग लापता हैं। भारी बारिश के चलते कई शहरों में पानी भर चुका है। ह्यूस्टन शहर बाढ़ की स्थिति से जूझ रहा है, तो तूफान के चलते अमेरिका को भारी आर्थिक नुकसान का अनुमान भी लगाया गया है। अमेरिकी संस्था एक्वेदर ने अनुमान लगाया है कि इसकी वजह से $160 बिलियन का नुकसान हो सकता है। चक्रवाती तूफान हार्वे अमेरिकी इतिहास का सबसे विनाशकारी तूफान साबित हो सकता है। अमेरिकी संस्था एक्यूवेदर ने यह अनुमान लगाया है कि इसकी वजह से $160 बिलियन का नुकसान हो सकता है। अब तक 38 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लापता हैं। तूफान की वजह से हजारों लोग बेघर भी हुए हैं। I saw a figure the other day of 14 trillion gallons of water being dropped from the skies. That's equal to 2,000 gallons of water for every man, woman and child on the planet. It's staggering. हार्वी तूफान की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान टेक्सास को हुआ है,
राज्य में भारी बारिश हो रही है और जगह जगह पानी भरा हुआ है। ह्यूस्टन शहर अभी भी बाढ़ की चपेट में है। तूफान की चपेट में आने की वजह से टेक्सास के आर्केमा केमिकल प्लांट में गुरुवार को दो धमाके हुए। हार्वी तूफान की वजह से अमेरिका में 24% रिफाइनिंग ऑपरेशंस ठप पड़ गए हैं। The storm has been a worst possible scenario type situation as far as the day-to-day operations of refineries in the Gulf Coast. Every refinery, every significant refinery has gone down. The folks tried their hardest to keep Motiva at Port Arthur alive and going. National Hurricane Center ने तेज बारिश और तूफान की वजह से हालात और बिगड़ने की चेतावनी दी है। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को टेक्सास का दौरा किया था और लोगों को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिलाया था। हार्वे कैटेगरी 4 का तूफान है जो पिछले शुक्रवार कोपर्स क्रिस्टी इलाके से टकराया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो खबरों का आज के सफर में बस इतना ही। नमस्कार।